अभी मैं उसी विद्यालय में मौजूद हूँ, सहरसा के बनगांव में, यानी मोजेलाल शर्मा राम मध्य विद्यालय, जहाँ से लक्ष्मी झा प्राइमरी शिक्षा हासिल की थी। हम उसी विद्यालय में हैं, यहाँ पर प्रधान सर के साथ सभी शिक्षकगण उपस्थित हैं। हम उनसे जान लेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि लक्ष्मी झा जो इस वक्त जो है माउंट अरारत एक पहाड़ है जो हमारे देश की, हमारी मिथिला की बेटी ने तिरंगा लहराया है, उसको लेकर पूरे देश में खुशी का लहर है। कहीं ना कहीं इस इलाके में खुशी है, इस विद्यालय में खुशी है। और प्रधान सर से जानेंगे कि जब वो पढ़ती थी तो उस समय उनका स्वभाव कैसा था और उस समय वो क्या कुछ करना चाहती थी और किस तरह की तैयारी की और कैसे वो शिक्षा, मतलब शिक्षा के साथ साथ वो ट्रेनिंग ली जो उस पहाड़ पर चढ़ सकी। सर, हमारी मिथिलांचल में जहाँ बेटी छत के सीढ़ियों पर चढ़ना पसंद नहीं करती है, लेकिन आप ही के इसी विद्यालय के एक छात्रा जो आज दुनिया भर में अपना नाम कमाई। एक समय था जब यहाँ की बेटियाँ छत की सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मोटिवेशन से अब माउंट अरारात जैसे पर्वत शिखर को भी वह के ऊपर भी चल फतह कर रही है, जीत रही है। इससे और अधिक खुशी की बात क्या होगी। यहाँ पे अब एक बदलाव शुरू हो चुका है, यहाँ की बेटियाँ बहुत ही आगे बढ़ रही है और उसी में लक्ष्मी कुमारी जो इस स्कूल की विद्यार्थी रह चुकी है, इस विद्यालय की कई छात्रा रह चुकी है, उसने ये फतह किया है। उससे पहले भी उसने बहुत सारे पर्वतों को फतह किया है। इस गांव के लोग, इस हम अपने विद्यालय के सभी शिक्षकगण बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। क्या सर, जब आप इस विद्यालय में आए थे, पदस्थापित हुए थे, क्या उस समय लक्ष्मी पढ़ रही थी? नहीं, उस समय में वो यहाँ नहीं पढ़ रही थी। ये सर रघुनंदन जी वहाँ इस समय में पढ़ा रहे थे शुरू से, और उनसे और अधिक डिटेल्स इनसे आपको मिल जाएंगी। उनके स्वभाव के बारे में हम जानेंगे, लेकिन और सर है, स्कूल विद्यालय का नाम रोशन हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? आपके बेटी, मिथिलांचल की बेटी, आपके गांव की बेटी, आपके इस स्कूल की एक लड़की जो आज पूरे दुनिया में नाम की है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? कितना गर्वान्वित महसूस होता है? हम लोग बहुत ही खुश मिजाज से लग रहे हैं, खुशी हम लोग इतना, हमारे गाँव के इतने जितने भी लोग हैं ये सब ये चाह रहे हैं कि खास करके हम लोग इस विद्यालय से जो हमारी बेटियों और से पढ़ रही हैं, हम ये चाहेंगे कि और लक्ष्मी कुमारी हमारे विद्यालय से और उभर कर आए। एक बेटी नहीं, लक्ष्मी तो अपना इतना छाप छोड़ के चली गए हैं, जो हम यही कामना करेंगे अपने इस बच्चियों से, विद्यालय के बच्चों से, कि और लक्ष्मी कुमारी जो भी हैं आगे बढ़े। ज़रूर, जैसे खास कर जो लक्ष्मी जिस परिवार से अपना गुजरे हैं, उनके पापा स्वर्गवासी हो गए जब वो छोटे थे, उनका छोटा भाई था, उनका नाम श्याम झा हैं, उनकी मम्मी और उनका भाई दोनों अपना एक दुकान खोल के अपना संघर्ष से उनको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका हैं, उनकी मम्मी उनका भाई का। मैं इनके लिए, उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से और जितने हमारे गाँव के परिवार लोग हैं, चाहे वो मेरी मम्मी हो, मेरा भाई हो, हार नहीं माननी चाहिए। अगर हार मान लेते जिस समय उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे, अगर हार, तो आज लक्ष्मी उस ऊपर में ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाते। इसीलिए आज इसी तरह से जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हार नहीं मानना चाहिए। उनकी मम्मी के हौसला हम इतना उत्साहित देखते हैं, वो एक ही बार बोल दिए अपना छोटा बेटा, अपना बेटा को और अपना, हम दोनों मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे, आप किसी भी तरह की तकलीफ होने के लिए नहीं देंगे, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं, उसकी मम्मी और उनका भाई। परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, और तभी जाकर के एक बेटी आज माउंट अरारत पर तिरंगा फहराई है। जानेंगे कि सर, क्या जिस समय लक्ष्मी यहाँ पढ़ रही थी तो लक्ष्मी का बर्ताव कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, क्योंकि तब आप पढ़ाते थे? बहुत सरल स्वभाव की थी और मिलनसार लड़की थी, उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं था, पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी और परिस्थितियों को समझती थी, भांपती थी। उसी समय में एक होनहार का गुण उनमें दिखाई देता था, और आज जो हम सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों में एक तुर्की के माउंट हरारत पर जो उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने जो तिरंगा लहराया है, ये काबिले तारीफ है, और हम लोग इसके लिए गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, चूँकि हमारे गांव का तो वो है ही, साथ ही हमारे विद्यालय का भी वो छात्र। वो पल कुछ याद है जब वो यहाँ लक्ष्मी पढ़ने आती थी,
और तब आपके साथ जो लक्ष्मी का मतलब शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उस समय का कुछ पल सर कुछ याद हुआ? वो कम बोलती थी, वो बोलती थी कम, लेकिन जो भी बोलती थी बेशकीमती चीज़ बोलती थी। इसलिए चूँकि मृदुभाषी थी और मितभाषी थी, दोनों स्वभाव उसके चरित्र में था, मितभाषी और मृदुभाषी का, और कम बोलती थी और जो भी बोलती थी वो मार्के की चीज़ बोलती थी, जो आपको उसका एक शब्द समझ के फुन के आपको लगता कि उन्होंने ढेरों सारी चीज़ें कह दी है, इस तरह का स्वभाव था उसका। लगता था कि सर कि आपकी बेटी वहाँ तक पहुँच पाएंगी, मिथिला की बेटी, आपकी विद्यालय की छात्रा। संभावना तो था उनमें और उन्होंने संभावना को साकार भी किया है। आप कितने खुश हैं सर? बड़े खुश हैं हम तो हमेशा उसके बारे में हम असेंबली में भी बताते हैं बच्चों को, और जब पहली बार उन्होंने एवरेस्ट के आधार शिविर पर कदम रखा था तो उस समय सबसे पहले मैंने असेंबली में लक्ष्मी झा के विषय में सारे बच्चों को बताया था कि हमारे विद्यालय की एक बच्ची और हमारे गांव की एक बेटी, उन्होंने एवरेस्ट के आधार शिविर पर चढ़ करके हमारे गांव, राज्य और देश का नाम दुनिया में ऊपर किया है। यानी यहाँ के बच्चे के लिए एक प्रेरणा हो गई। प्रेरणा हो गया और अब बहुत सारी लक्ष्मी झा पैदा होंगी इसी विद्यालय से। चलिए और सर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, आप तो सर इसी गांव के हैं, शुरुआती दौर में आप पढ़ाते थे, क्या लक्ष्मी को पढ़ाए थे? हाँ हाँ, उसको तो अ आ से लेकर के चालू किए हैं। अच्छा। हाँ, हमको पूरा याद है। इस दौरान जब उस मतलब जब स्कूल आती थी सब्जेक्ट की याद नहीं होता था, तब आपकी तरफ से कभी मारूट पड़ा उनको? हाँ डांट पड़ा। हाँ हाँ पड़ा है। तो कैसा लगता था ना? लक्ष्मी को एक बात देखते थे, जो कुछ करने अगर कुछ याद करने के लिए उसको देते थे तो वह अगर चाह लेती थी जो सर हम 10 मिनट में हम सुना देंगे तो वह सुना देती थी। आप खुश हैं सर? हाँ बहुत खुश हैं। विद्यालय? हाँ हाँ हाँ। आज जो है लक्ष्मी सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं की, वह हम लोगों को एक टीचर होने के नाते आज हम गर्व से कहते हैं जो अगर एक जन्म नहीं अगर 7 जन्म अगर काम करना पड़े तो शिक्षक ही बने। शिक्षक? शिक्षक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ।